बिहार बनेगा हिंदू राज्य, भाजपा विधायक ने की मांग। कहा बिहार राज्य को इस्लामी बनने से रोकने की बारी। बिहार में लगातार हिंदुओं को प्रताड़ित करने का कुकर्म जारी। भारत में सुनाई देने वाली हिंदुत्व की गूंज दुनिया के कई देशों तक तो सुनाई देती है, लेकिन देश के अंदर ही हिंदुत्व को कई राज्यों में खतरा बताया जाता है। न केवल भारत के दक्षिण बल्कि कई उत्तरी राज्य भी हैं जहां पर हिंदुत्व के दुश्मन नजर आते हैं, लेकिन उन राज्यों में सनातन धर्म को जीवित रखने का काम बीजेपी करती है। हिंदुत्व सनातन की रक्षक बताने वाली बीजेपी इसके अस्तित्व की रक्षा को पहला कर्तव्य मानती है। हाल ही में बिहार से राज्य को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठी है। जानकारी के लिए बताते चले कि बीते दिनों जहां जाति का जनगणना का सर्वे का रिपोर्ट पर सियासी बहस छिड़ा हुआ है, इसी बीच बिहार को हिंदू राज्य बनाने की आवाज सुनाई दे रही है। बताते चले कि ये मांग कोई और नहीं बल्कि मधुबनी से ही बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने की है। मीडिया कर्मी और पत्रकारों से बात करते हुए गुरुवार को कहा कि बिहार इस्लामिक राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है। इस पर चिंता जताते हुए भाजपा विधायक ने कहा है कि बिहार को हिंदू राज्य घोषित किया जाना चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में जाति जनगणना सर्वे की रिपोर्ट जारी होने के बाद से राजनीतिक पार्टियां इस पर सवाल खड़े कर रही है। दलों के बीच मतभेद नजर आ रहा है। अलग अलग जातियों की संख्या घटने और बढ़ने को लेकर भाजपा और दूसरे दलों के नेताओं ने नीतीश कुमार को गिराने की और उनकी साजिश सामने लाने की कोशिश की है। ऐसे में इसी बीच मधुबनी के विधायक ने ये जानकारी पत्रकारों को दी है कि धीरे धीरे जिलों में अल्पसंख्यक होते हिंदू खतरे में है, जो कि एक चिंता का विषय बन गया है। जातीय जनगणना का रिपोर्ट हुआ है तो इसमें तो हो गया कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो 82% हिंदू है बिहार में, तो हिंदू राज्य घोषित हो बिहार, हिंदू के सारे मुद्दे को प्रमुखता से रखा जाए और हिंदुओं का बोलबाला हो सभी जगह, इसीलिए कोई बात नहीं है हिंदुओं का। और जिस तरह से मुस्लिम का जनसंख्या बढ़ा है यह भी चिंतनीय है। कहाँ गया परिवार नियोजन, कहाँ गया सरकार का स्वास्थ्य कार्ड, ये सब इसलिए विचारणीय विषय है। अगर सभी आदमी नहीं संभले तो आने वाले 40 से 50 वर्षों में कहाँ चला जाएगा, जात नाम का चीजों नहीं बचेगा बिहार में। लालू यादव ने भी आबादी के हिसाब से इस नारी की बात कही है, तो ऊपर क्या कहें। तो लालू जी तो कहे हैं तब तब अति पिछड़ा भाई को बना में मुख्यमंत्री, अब 32 साल से इन लोगों को याद नहीं आया। ये अंतिम पासा है, अंतिम दाव है नीतीश जी और लालू। बिहार में 82% हिंदुओं की आबादी है, इस हिसाब से बिहार को हिंदू राज्य घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। वहीं इसी आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ भी सबसे ज्यादा हिंदुओं को ही मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, हैरान करने वाला बयान तब आया जब उन्होंने कहा कि बिहार राज्य में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर आपने जाति जनगणना की रिपोर्ट की तुलना आखिरी बार किए गए गणना की रिपोर्ट से करेंगे तो उसमें साफ नजर आ रहा है, जहां मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है वहीं हिंदुओं आबादी में बेहद कमी देखी गई है। आगे मधुबनी के विधायक कहते हैं कि अररिया, किशनगंज, कटिहार, बेतिया, दरभंगा, मधुबनी जैसे जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, उनकी आबादी संख्या कम हो गई है, इसलिए इन जिलों में विशेष अभियान चलाना जाना चाहिए और न्यायिक आयोग बनाकर उसकी जांच की जानी चाहिए कि आखिर ये हिंदुओं की आबादी अचानक से क्यों घटने लगी है। आगे विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल कहते हैं कि मुस्लिम की आबादी बिहार में 18% हो गई है और आने वाले दिनों में जिस तरीके से मुस्लिम की आबादी बढ़ रही है, एक दिन बिहार इस्लामिक राज्य बन जाएगा, जिसे बचाने की जरूरत है। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक ने बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हिंदू एकता को तोड़ने के लिए लालू नीतीश की जोड़ी की ओर से ये पासा फेंका गया है। जाति जनगणना सर्वे रिपोर्ट और कुछ नहीं बल्कि हिंदुओं की एकता को जाति के आधार पर तोड़ने की एक साजिश है, लेकिन उनका कोई भी चाल कामयाब नहीं होगा और चारों खाने बिहार सरकार चित होने के लिए तैयार हो जाए। आने वाले समय में हरिभूषण ठाकुर बचौल ने दावा किया है कि 2025 में बिहार में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनने वाला है।